पूरा गैंग जा रहा है इसके साथ साथ। पता नहीं यार ये लोग कितना खेलते हैं इसको, जाते हैं घुमाते हैं, घुमाना तो पड़ेगा। बहुत ही सुंदर बना रखा है कसम से भाई, मम्मी वाले रसा भी बहुत सुंदर बनता है ऐसे। हम और मैं और मम्मी खाते हैं आज पूरे। सो फाइनली गाइस अभी हम लोग निकल रहे हैं सेरू को लेकर घुमाने के लिए। तो अभी घुमा तो करेंगे, समझ नहीं आ रहा क्या करेंगे माँ। यहाँ देख सकते हो आप बाहर आ गए हैं, खींच कर लेकर जाता है यार, डर लगता है कहीं गिर। भाई यार बारिश पड़ने की वजह से देख रहा हूँ सब कितना ग्रीन ग्रीन हो गया इधर, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। आई नो कि बाद में कचरा लग रहा है पास में जाके कि कचरा फैला के रखा है, बट ऐसे देखो कितना प्यारा ग्रीनरी, बहुत ही प्यारा लगता है। सो वेलकम बैक टू माई चैनल गाइस, देसी नैप ब्लॉगिंग। कैसे हो आप सब भाई लोग? और भाई सीन कुछ इतना गंदा बना है कि 1:38 पे आजकल मेरा रात दिन हो गया, दिन रात हो गया, समझ ही नहीं आ रहा कुछ भाई। 1:38 पे इसको बाथरूम जाना है सेरू, इस नमूने के चक्कर में कब से परेशान करके रखा हुआ है। और ये देखो सभी आएंगे, अभी देख रहे हो सभी आएंगे इसके पास। चलो देखो पूरा गैंग जा रहा है इसके साथ साथ। पता नहीं यार ये लोग कितना खेलते हैं ऐसे ही, इधर आके भी डॉग्स का ही गैंग मिलेगा मुझे, पता है ना। टफट इसको जाते हैं घुमाते हैं, घुमाना तो पड़ेगा ही, कोई चारा नहीं हमारे पास। चल जब देखो तब उल्टा सीधा हरकत करेगा। तो भाई देखते हैं अभी आगे, देखिए एक और गैंग मिलेगा डॉग का। यार इसकी ना इसकी वजह से मेरा दिमाग खराब हो जाता है रात में भी। देखते हैं उधर है क्या डॉग्स लोग, देखो सर कैसे खड़े हैं। चलो भाई इसको घुमा के मिलते हैं आपसे। तो भाई सुबह का नाश्ता देखो, डोसा है, चटनी और ये दाल है, बहुत ही टेस्टी लग रहा है भाई कसम से बता रहा हूँ, बहुत ही टेस्टी। ये चटनी तो खास करके टेस्टी लगता है, आई लव इट। देखो परफेक्ट टेस्ट है इस चटनी का भी, बहुत सुंदर माँ। हाँ बहुत प्यारा लग रहा है कसम से बता रहा हूँ। मम्मी ने आज डोसा बनाया, सोचो बहुत ही सुंदर बना रखा है कसम से भाई, मम्मी वाला डोसा भी बहुत सुंदर बनता है। आज पूरे परिवार ने डोसा खाया ऐसे, हम और मैं और मम्मी खाते हैं आज पूरे परिवार के लिए बना मम्मी ने। भैया बहुत सुंदर, तो मैं इंजॉय करता अपना खाना, अभी करो करो क्यों, क्योंकि मज़ा आता है सुबह सुबह खाने में। सो फाइनली गाइस अभी हम लोग निकल रहे हैं सेरू को लेकर घुमाने के लिए, तो अभी चलते हैं। सेरू आ गया था बुलाने के, चलो मेरा टाइम हो गया, लेकर चलो मेरे को घुमाने, है ना। टाइम भी हो गया वैसे, 5 बजने को आया, केटू वेट कर रहा है मेरा। अभी देखो जैसे ही हम पहुँचेंगे, हाँ चल 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 चलो इसको घुमा के लिए घुमा क्या करेंगे, समझ नहीं आ रहा क्या करेंगे माँ, क्या कर रही हैं। अच्छा फ्रिज साफ, फ्रिज को साफ, और मैं भी फटाफट सीर को घुमा लाता हूँ थोड़ा, है ना, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया 5 बजने। तो भाई सेरू को लगे निकल चुके हैं, देख सकते हो आप बाहर आ गए हैं, खींच कर लेकर जाता है यार, डर लगता है कहीं गिर वीर ना जाऊँ मैं ही सीढ़ी से, बहुत जल्दबाजी में रहता है ये बंदा, कुत्ता ही है, भूल ही जाता हूँ मैं। देख रहे हो कितना जल्दी जल्दी भाग कर रहा है। और ये देखो भाई मौसम का हालत, आसमान बिल्कुल साफ, वैसे सुबह से बादल है, धूप ज़्यादा है नहीं। गाड़ी स्टार्ट तो मुझे भी करना है यार, बहुत दिनों से सोच रहा हूँ आज या कल देखता हूँ स्टार्ट करूँगा। और ये देख रहे हैं कितना ज़ोर से भाग रहा है ये,
एक नंबर का नमूना है शेरू भाई। यार बारिश पड़ने की वजह से देख रहा हूँ सब कितना ग्रीन ग्रीन हो गया इधर, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। आई नो कि बाद में कचरा लग रहा है पास में जाके कि कचरा फैला के रखा है, बट ऐसे देखो कितना प्यारा ग्रीनरी, बहुत ही प्यारा लगता है यार, कुछ भी कहो कसम से। किसी दिन अगर बहुत लैंड हुआ ना मेरे पास, बहुत ज़्यादा ज़मीन, तो भाई तो मैं तो पूरा हरा हरा कर दूंगा, कसम से बता रहा हूँ। बहुत ही प्यारा लग रहा है, बहुत ही सुंदर देख सकते हो। बारिश और मौसम अच्छा रहता है ना तो बहुत ही प्यारा लगता है। कितना सुंदर लग रहा है यार ये। और फिर ये काम रुक गया कीचड़ की वजह से, कीचड़ होते ही ये बाउंड्री का काम रुक जा रहा है। बारिश में वैसे भी जल्दी कंप्लीट नहीं हो पाता यार, अगर बारिश ना हो तो 2-3 महीने मैक्स टू मैक्स। देख रहा हूँ पानी भरा हुआ है पूरा उसमें, इस चक्कर में। और ये देख रहा पूरा कचरा करके रखते हैं यार रोड के साइड में, इसको क्लियर करें ना तो बहुत ही प्यारा लगे ये। बट एक चीज़ है, पेड़ फिर भी है इधर, देख रहे हो पेड़ वेड़ अच्छा खासा है इधर, जगह जगह कॉर्नर पे लगा के रखा हुआ है इन लोगों ने। बहुत ही प्यारा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। चलो भाई शेरू जी जल्दी जल्दी जो करना है कर लो, इनको भी दही लेकर आना पड़ता है और कहीं तो कर नहीं पाते हैं कुछ। चलिए इनका हो जाए तो उसके बाद घर निकलेंगे अभी। सो फाइनली गाइस मैं चिकन बनाना स्टार्ट कर चुका हूँ, देख सकते हो आप गरम है। तो ये डाल दिया मैंने, सब मसाला वगैरह मिक्स कर दिया और अभी बनाना चालू कर दिया मैंने। तो ये ढक दिया और आग पे बैठा चुका हूँ, अब आराम से इसको बनने देते हैं हौले हौले। पहले 10-15 मिनट तक हाई फ्लेम पे, उसके बाद मैं मीडियम फ्लेम करके और अच्छे से पकाऊंगा भाई, क्योंकि धीरे धीरे पकता है तो बहुत अच्छा बनता है। और जैसे जैसे पकाऊंगा वैसे वैसे आपको दिखाऊंगा। और शेरू महाराज आ गए चिकन की खुशबू लेते ही, अब इधर ही बैठ के ये अगोरेंगे इसको, है ना शेरू? अगोरेगा ना, अगोरेगा कि नहीं? ये दिखा क्या किया है। अच्छा चलो ठीक है, सो जा। तो भाई इसको अगोरने देते हैं और मम्मी तो नीचे हैं, अभी चावल और बनाएंगे, लाइट वाइट बंद करके हम भी अगोरते हैं। गाइस मेरा खाना पीना हो गया और मैं ब्लॉग को करता हूँ, लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल का। मैंने ब्लॉगिंग, बाय बाय, सी यू लेटर, गुड नाइट।